Hello, welcome students. You are watching a mathematics class on exercise volume and surface area of part solid. आज हम क्वेश्चन नंबर शुरू करने जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 से. तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, एक क्यूबॉइडल शेप गोल्ड बिस्कुट इज ऑफ डायमेंशन 8x5x2 सेंटीमीटर. फ्रॉम दिस गोल्ड बिस्कुट स्मॉल लॉकेट इज ऑफ वॉल्यूम 2.5 सेंटीमीटर क्यूब आर मेड. तो यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ लॉकेट फ्रॉम गोल्ड बिस्कुट. यानी कि आप जो गोल्ड बिस्कुट है वो कौन से शेप में है, क्यूबॉइडल शेप में. ओके, तो मैंने यहाँ लिख दिया गोल्ड बिस्कुट. ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट दे दिया, लेंथ ब्रेथ हाइट बता दिया. ओके, तो लेंथ दे दिया कितना, लेंथ दे दिया है आपका 8x5x2 तीनों किसमें है, सेंटीमीटर के. तो इसी बिस्कुट से हमने क्या निकाला, लॉकेट. तो यहाँ लिख दो लॉकेट. लेकिन लॉकेट क्या क्या बता दिया, देखो सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये हमारे लॉकेट का क्या बताया है, वॉल्यूम बता दिया है. आपको बोला कि आपको लॉकेट कितना बनेगा, किससे, बिस्कुट से आप कितना लॉकेट बना पाओगे. तो इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आपको नंबर के हिसाब से अगर आपको निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या करोगे, जो बड़ा वॉल्यूम बाय छोटा वॉल्यूम. तो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ लॉकेट. तो आपको पता चलेगा कि लॉकेट कहाँ से निकला, सोने का बिस्कुट से. तो मैं कैसे लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड बिस्कुट बाय वॉल्यूम ऑफ लॉकेट, जो एक लॉकेट का जो वॉल्यूम है. तो इसको कैसे लिखेंगे, 8x5x2 क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब बाय 2.5 किया सेंटीमीटर क्यूब, ये पूरा कट गया. कटने के बाद अभी हम देखेंगे तो क्या आएगा, देखो बाय किया 2.5, इसको मैंने 10 ले गया. ओके, तो ये पूरा कट गया, कितना आया 2. बोलो समझ में आ गया ना, यानी कि कितना लॉकेट बनेगा, बोलो 32 लॉकेट बन जाएगा. कितना लॉकेट बनेगा, 32 लॉकेट बन जाएगा. क्लियर हो गया, फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11. देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, बोला दो क्यूब आर सच दैट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूब. दो क्यूब है, एक का जो लेंथ है वो दूसरे से क्या बोला है, डबल बोला है. मान के चलो ये छोटा क्यूब है. ओके, और ये बड़ा क्यूब है. अब ध्यान में रखना है कि अगर मान के चलो अगर ये ए है तो ये क्या हो जाएगा, 2a, वो डबल है. बोलो क्लियर हो गया ना. अब देखना ये है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, बोला रेशियो ऑफ वॉल्यूम निकालना. तो एक काम करो, लेट साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब. ओके, पहला क्यूब का मैंने साइड क्या मान लिया, ए. तो साइड ऑफ सेकंड क्यूब क्या हो जाएगा, मैंने ले लिया क्या, 2a. आपको बोला है कि वॉल्यूम का रेशियो निकालने के लिए कहा गया है फर्स्ट बाय सेकंड. कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब. क्या फॉर्मूला होगा, ए क्यूब, इसका भी क्या हो जाएगा, ठीक है ना. तो कितना आ गया, पूरा कट गया, तो क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया. अब जब ऐसा मान के चलो कि ये मेरा v1 है, ये हमारा क्या है, v2 है. ओके, तो अगर हम इसको रेशियो में बनाना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, 1:8 आंसर आएगा. तो इस तरह से वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम. ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है, रेशियो बोला जाएगा किसका, वॉल्यूम का. तो फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, रेशियो मतलब फ्रैक्शन में बना लीजिएगा और इसको रेशियो फॉर्म में फॉर्मेट कर दीजिएगा. ओके, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो. फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर जो 13 है, 12 भी इसी तरह से आपको निकालना है. क्वेश्चन नंबर 13 बोला है, तीन क्यूब है, तीनों क्यूब को मैंने क्या किया, जोड़ दिया. जोड़ने से उसको पिघलाने के बाद, सॉरी तीनों को मैंने क्या किया, पिघला दिया, पिघला के एक बड़ा क्यूब बनाया. तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, वेरी वेरी इजी.
देखो क्वेश्चन नंबर 13, ये पहला क्यूब है, ओके, ये दूसरा क्यूब है, ये तीसरा क्यूब है, ओके। तो तीनों क्यूब को मैंने पिघला, 18, 24, 30, ये मेरा हो गया A1, 18, ये हो गया A2, 24, ये हो गया A3, 30, ये तीनों क्यूब अलग अलग है। तीनों क्यूब को हमने क्या किया, पिघला दिया, पिघला के एक बड़ा क्यूब बन गया, एक बड़ा क्यूब। तो इसका साइज मेरे को मालूम नहीं है, तो इसका मतलब तीनों को मिला के पिघलाया है, तो तीनों का जो पिघलने के बाद जो वॉल्यूम बनेगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ, ये क्या हो गया, न्यू क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, ये तो मेरे को पता नहीं है, मैंने क्या मान लिया इसको, साइड ए माना, ओके। तो फर्स्ट क्यूब क्या हो जाएगा, 18 क्या, होल क्यूब, इसका क्या हो जाएगा 24 होल क्यूब, इसका क्या हो जाएगा 30 होल क्यूब। बोलो क्लियर हुआ। अब इसको हम करेंगे क्या, इसको अभी हम होल क्यूब निकालेंगे, तो देखते हैं इसका होल क्यूब क्या आता है। अगर मैं इसको 18 होल क्यूब लेता हूँ, 18 into 18 into 18, अगर मैं 18 होल क्यूब लेता हूँ तो मेरा आता है 5832, ओके। अगर मैं 24 को लेकर चलता हूँ तो फिर मेरा आंसर आता है 13824, ओके, इसका आ गया 27000। अब ये तीनों को हम क्या करेंगे, तीनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ओके। तो मैंने प्लस किया तो मेरा आंसर आ गया, 4665 आ गया। ये हमारा ए क्यूब है। अगर मैं क्यूब हटा दूं तो मेरा यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्यूब रूट। जब क्यूब रूट बन जाएगा तो इसको हमें निकालना होगा, ये 6 है तो मैंने 6 ले लिया, ये 46 बचा, इसके क्यूब में आएगा 3 cube 27 4 cube 64, तो मेरा आंसर आ गया 36 centimeter। तो इस तरह से हम इसको क्या निकालेंगे, साइड ऑफ क्यूब निकालेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको आसानी से कर पाइएगा। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक बाय बाय।